ये क्या हो गया भाई? पहले तो मैंने तो सेलेक्ट कर गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई लड़कों ने भी बड़ी बेइज्जती करा रखी है। वैसे वो खुद से एक दिन क्लास में बता रहा था, 6 साल 7 साल हो गए, हद हो गई बिल्कुल। एक बहुत ही मतलब बहुत शर्म वाली बात है ये, बहुत ज्यादा शर्म वाली बात। ऐसा कौन करता है भाई? किसी के आगे कौन गिड़गिड़ाता है, नंबर दे दो नंबर दे दो। मेरी तो एक बात ना आज तक समझ नहीं आई, कोई भी है वो यहां रहेगा नोएडा में, बहुत सोचने वाली बात है ये। अगर किसी कोई उसको नंबर दे भी देगा तो नोएडा से उसको नंबर मिल गया, उसके बाद वो खुद से कानपुर में हो गया सब। उसके बाद वो है कानपुर में, अगर भाई नंबर मिल भी गया तो तू क्या चार डालेगा? मेरे तो समझ में ये बात नहीं आ रही। अगर नंबर मिल भी गया तो तू करेगा क्या उस नंबर का? तुझे तो आने में भी एक दिन लगेगा, हद हो गई। इसलिए बच्चों अपना सिस्टम वहीं बिठाओ जहां आ जा सकते हो, आराम से कंफर्टेबल हो, उसे आने दो एक बार क्लास में। यार हद हो गई बिल्कुल, फोन पे बात करने के लिए भाई क्या क्या बात करेगा फोन पे, क्या बात होती है। यार अंजलि को भी, अंजलि का तो पूरी एकेडमी में पता है वो मैरिड है, मतलब हद हो गई, ये तो बहुत ज्यादा हद वाली बात हो गई अब तो। सर वो शुरुआत मुझसे ही हुई थी, ऑफ ही कंप्लेन हो गई थी, लेकिन अभी फिर हो गया। तो उसके तो शुरू में ही नेटवर्क एरर हो गई, शुरू में ही वो गलत जगह पहुंच गया। हद हो गई भाई। फिर जैसे लड़के होते हैं ना ऐसी ही ना लड़की मिलती है, चार हाथ आगे की। जितने कोई लड़की मिल जाएगी फिर थोड़े बहुत पैसे कमाएगा, वो अपना बराबर करती रहेगी धीरे धीरे। नहीं आज देखो ये तो डायलॉग है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जहां मन करे जिसको मन करे, हद हो गई। ये तो एक फिर छिछोरेपंते वाली बात हो गई, तो करेक्टर लेस वाली बात हो गई। अगर किसी एक से बात करोगे कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा करते रहो, पूरी जिंदगी करते रहो, मैरिज भी करो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है हर किसी से, हर दूसरे से, हर तीसरे से। और बात करके करना क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आती बात। ऐसी क्या बात होंगी बच्चों के पास?
देखो वैसे ऐसा तो होता ही है, होता रहता ही है, फिर भी आप अपना ध्यान रखो, किसी के चक्कर में कभी मत फंसो, क्योंकि आप किसी दूसरे आदमी को जानते नहीं कैसा है और कैसा नहीं है। लड़कों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो कोई फंसा भी नहीं रहा। और एक बात तो आज और समझ में नहीं आई आज तक मेरी, वो भी चलो मैं पूछ ही लेता हूँ बात भाई। ये जो लड़की होती हैं, फेसबुक की आईडी देखो, चलो लड़की तो लॉक करके रखती है, उसका तो बनता भी है, लड़कियों का तो बनता भी है, कुछ मिसयूज ना हो जाए, जानने वाले हैं तो लॉक करके रखो, बस वही आपको देख पाएंगे। लेकिन ये लड़के जो लॉक करके रखते हैं, अब भगवान से तो डरो भाई, तुम्हें कौन देख रहा है, कौन तुम्हें मैसेज कर रहा है। मैं कल देख रहा था, मेरे दोस्तों ने इतना लॉक कर रखा है, हद हो गई। चलो लड़कियों का बनता है प्राइवेसी, लेकिन लड़के भी, सलमान खान की भी ब्लॉक नहीं होगी, लॉक नहीं होगी, नोएडा दिल्ली हापुड़ यूपी इनके लड़कों की लॉक मिलेगी। नहीं जुनेद कुछ बात नहीं हुई, बस कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, बस वही बात कर रहे थे। जुनेद अब तो आप लेट हो गए, अब तो सब कुछ निपट ही गया। देखो लड़को, तुम्हें लॉक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम पे कोई मैसेज नहीं कर रहा ना कभी करेगा, आप टेंशन फ्री रहो, आप अपनी इज्जत को बचा के रखो। अरे जुनेद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ये बताओ, ये आपको DI दी थी होमवर्क के लिए, इसको सॉल्व करा। देखो आप DI का ना, मैं आपको कल भी समझाया था, फिर से समझ लो, आपको क्लास में बस डेली 2 DI करनी है, चाहे वो जल्दी हो जाए या फिर वो लेट हो, 2 DI क्लास में जब तक DI चल रहा है, और 1 DI होमवर्क में। जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसमें DI आ जाएगी, बस उसी को करो, उससे ज्यादा तुम्हें DI, इतनी भी DI मत करो, दिन रात DI पे लगे रहो, फिर बाकी चीजों का टाइम नहीं मिलेगा। तो बच्चों अपना हम क्या करते हैं, फटाफट से इनको डिवाइड कर लेते हैं, और आज मैं भी DI बनाकर लेके आया हूं अलग से, बार बार पीछे देखना पड़ता है सर्विस। तो बच्चों आपने ज्यादातर सारे क्वेश्चन को इस DI के कर लिया होगा, आप ये बताओ सबसे पहले क्या था सर्विस। टोटल हमारे पास वर्क फोर्स है 80 लाख, इसमें से सर्विस में कितने हैं 15%, तो मतलब सर्विस में कितने होंगे 80 लाख में से। यहां भी एक छोटी सी समझने वाली बात है, 12 लाख। तो अब ना आपको बस यही समझना था, आपको ना इसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 12 लाख, फिर उसमें से मेल को डिवाइड करो, उसमें से फीमेल को डिवाइड करो, ऐसा करने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। 15 8 120, इसका मतलब टोटल आपके पास कितने होंगे, 12 लाख। 12 लाख को 12 एज्यूम कर लो, अगर आपके पास टोटल है 12, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू है आपके पास 12, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.4, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 7.2। 7.2 मतलब 7,20,000। तो आपके पास मेल कितने होंगे भाई, टोटल है हमारे पास कितने 12, इसमें से मेल हो गए हमारे पास 7.2, तो बच्चों फीमेल्स कितनी होंगी, तो आपके पास फीमेल्स कितनी होंगी 4.8। अब सेम देखो आप सेल्स में, सेल्स में है हमारे पास 12%, 12 8 96, 9,60,000। 9,60,000 को आप 9.6 कर लो, उसके बाद देखो आपके पास टोटल सेल में है 9.6, और आपके पास 8 की वैल्यू है 5.6, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी,
8 की वैल्यू है 9.6, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1.2, 1 की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 1.2, तो आपके पास मेल कितने होंगे? 6 लाख मेल है हमारे पास 6 लाख, तो फीमेल कितनी होंगी? 6 लाख। सर्विस में भी पंगा होगा, सेल्स में भी पंगा होगा, क्योंकि मेल्स इतने ज्यादा है, फीमेल्स इतनी कम है। फिर से कुछ छिछोरे लड़के पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, अब इसमें देखो, नाइन परसेंट, तो आप ये बताओ कंस्ट्रक्शन में कितने होंगे? 80 लाख का 9% कितना होगा? 7.2, 7.2 मंथ मतलब 7,20,000। 9 की वैल्यू है हमारे पास 7.2, तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9 की वैल्यू है 7.2, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4, 1 की वैल्यू होगी 0.8, 1 की वैल्यू होगी 0.8, तो आपके पास 5 की वैल्यू कितनी होगी? 4। मेल है हमारे पास 4, तो फीमेल्स कितनी होंगी? 3.2। उसके बाद देखो प्रोफेशनल्स, ये आए हमारे पास प्रोफेशनल्स। अब इसमें देख लो, बताओ बच्चों अब इसमें टोटल कितना होगा? अब बताओ, मतलब 14.4 टोटल हमारे पास कितना होगा? 14.4। 14.4 को आप 5:7 में डिवाइड कर दो, बताओ कितने मेल और कितनी फीमेल होंगी? और ये बच्चों सही बताना, 6 और 8.4। इसके बाद क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में टोटल कितने होंगे हमारे पास? 16.8, इसमें से मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे? 9.6। इसके बाद क्या आएगा? प्रोडक्शन, इसमें हमारे पास, भाई बच्चों थोड़ा आराम से बताओ, इतने भी फास्ट मत बनो, प्रोडक्शन में टोटल कितने होंगे पहले टोटल बताओ? 15.2, इसमें से मेल कितने होंगे और फीमेल? 5.7। और अदर्स में हमारे पास टोटल कितने होंगे? 4.8। इसमें से मेल कितने होंगे? 1.8, और फीमेल कितनी होंगी? 3। तो इसमें जो है आपके पास, बस ये कैलकुलेशन ही करनी थी आपको। अब इस कैलकुलेशन को जितनी फास्ट कर सकते थे बस उतने ही फास्ट डीआई सॉल्व होगा कोई भी। अब देखो, अब करो अपने क्वेश्चंस रीड, बताओ कितना होगा आंसर। आपको टोटल मेल वर्कफोर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है कितना होगा। भाई जितने भी मेल हैं सबको ऐड करो और जितने भी हमारे पास सेक्टर हैं उनसे डिवाइड कर दो। मेल का सम कितना होगा टोटल? भाई आपका आंसर आ गया तो आपने मेल्स का सम करा होगा। सम कितना होगा? 41.7। और टोटल सेक्टर्स हमारे पास कितने हैं? 7। तो इससे डिवाइड करो, हमारे पास
एवरेज आ जाएगा कितना, 5.96। तो हमारा आंसर होगा 4। कोई डाउट बच्चों? देखो इसमें आपको क्या करना है, सर्विस और प्रोफेशनल में फीमेल वर्कफोर्स टोटल कितनी होंगी, टोटल बताओ पहले। थर्टीन पॉइंट टू भाई, सर्विस और प्रोफेशनल में मिलाकर हमारे पास कितनी फीमेल्स होंगी, 13.2। और हमें फाइंड आउट करना है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में मेल। अब इनमें मेल कितने होंगे टोटल, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में 4। भाई ये जो मेंटेनेंस की स्पेलिंग है, जो बच्चे एसएससी वाले हैं इसको याद कर लेना, कम से कम अभी तक 50 बार आ गई होगी एग्जाम में स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। तो बताओ हमारे पास ये इसका कितने परसेंट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 330%। बताओ बच्चों कोई डाउट? बताओ फिर आंसर कितना होगा। देखो अब ये कैलकुलेशन तो आपने कर ही ली, तो इसका तो बच्चों बताओ आंसर कितना होगा, सेल्स और मैनेजमेंट में कितना मेल वर्कफोर्स होगा तुम्हारे पास, पहले ये बताओ। और आपके पास प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में टोटल कितना वर्कफोर्स है, तो आपको बस ये फाइंड आउट करना है ये 13.2 15.2 का कितने परसेंट है। कैलकुलेशन बस और कुछ भी नहीं, और ये तो करना ही पड़ेगा। बताओ बच्चों करो डिवाइड। ८६.८४%, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 87%। बताओ आंसर कितना होगा, फीमेल वर्कफोर्स, सेल्स और मैनेजमेंट में कितनी फीमेल वर्कफोर्स होंगी, भाई पहले ये भी बता दिया करो, सेल्स और मैनेजमेंट में कितनी फीमेल वर्कफोर्स होंगी टोटल। प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में कितनी फीमेल है, 5.7। अब आपको ये फाइंड आउट करना है ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा होगा, 7.5 अपॉन 5.7 मल्टीप्लाई 100, कितना ज्यादा होगा, 131%। कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास से समझा रहा था, प्रैक्टिस करो। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा। भाई सब बताओ, इसमें तो बस तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है छोटा सा। सबका यही है बच्चों, 16:39, तो फिर यही होगा आंसर।
अब ये तो कैलकुलेशन ना आपने अपने आप ही कर ली थी घर पे। हाँ अब इसको करो रीड, और ये कैलकुलेशन आपको अभी करनी पड़ेगी। सब कुछ तो कर लिया राखी, जीनियस लड़की हो आप तो। देखो आपको ODI और T20 का स्कोर गिवन है, तो देखो दो ही करने होते हैं आपको एक क्लास में। ODI और T20 का स्कोर गिवन है इन कंट्रीज का, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आप देखो सबसे पहले ये आपके पास ODI का टोटल स्कोर कितना है, 2800। इसको सबसे पहले इस परसेंटेज में डिवाइड करो, बाकी उसके बाद देखेंगे। सेम ऐसे ही फिर हम T20 के डिवाइड करेंगे। एक सेकंड रुको, इसको नोट कर लेते हैं। कंट्री ODI और T20, पाकिस्तान। देखो आपके पास, बताओ पाकिस्तान को कितने परसेंट मिलेगा भाई, ये तो परसेंटेज है। ODI का टोटल है आपके पास 2800, ODI का टोटल है 2800, इसमें से पाकिस्तान को मिला है 10.5%, तो कितना मिला होगा भाई, करो बच्चों ट्राई। देखो आप ना ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, सबसे पहले 10%, 2800 का 10% कितना होगा, क्योंकि 10% तो आप किसी भी वैल्यू का इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 10% के बाद इसका 1% कितना होगा, 2800 का 1% कितना होगा, 2800 का 1% कितना होगा, 28 भाई, 2800 का 1% कितना होगा, 28, और आपको कितना चाहिए, 0.5, मतलब 1% का हाफ। तो इसका मतलब पाकिस्तान का स्कोर कितना है, 294। उसके बाद देखो ऑस्ट्रेलिया, और आप परसेंटेज को ज्यादातर ऐसे ही किया करो। अब देखो ऑस्ट्रेलिया को कितना मिला है, 17.5%, तो सबसे देखो इसका हाफ पर आप जब इस पूरे DI को देखोगे तो देखो आपके पास ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, तो आप ना एक बार सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले 0.5 फाइंड आउट कर लो। 0.5 कितना होगा, 2800 का 0.5 होगा 14। डायरेक्ट डायरेक्ट निकालते रहो और उसमें 14 ऐड करते रहो, आपके पास स्कोर आता चला जाएगा। आप ये बताओ 2800 का 17% कितना होगा भाई, 17% फाइंड आउट करो और उसमें आप 14 ऐड कर दो, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी आ जाएगा। अब आप ये बताओ 17% कितना होगा, टोटल नहीं पहले 17% बताओ, करो मल्टीप्लाई 28 की 17 से। भाई 17% होगा 476, और 0.5% तो आपने स्टार्टिंग से ही फाइंड आउट कर रखा है, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कितना होगा, 490। इसके बाद हमारे पास है इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो डायरेक्ट ही 11% मिला है, बताओ 11% कितना होगा, 2800 का 11% कितना होगा भाई। 11% के लिए भी 10% तो आपको पता ही है 280, और 1% को अभी आपको पता ही है 28, तो 11% कितना होगा, 308।
तो इंग्लैंड का ओडीआई में स्कोर कितना होगा? 308। इसके बाद है हमारे पास श्रीलंका, इसको भी देख लो 9%, 2800 का 9% कितना होगा भाई? 10% होगा 280, 1% है 28, 280 में से 280 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9% आ जाएगा आपके पास। इसके बाद है हमारे पास न्यूजीलैंड, नहीं न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का देखो कितना मिला है, 12.5%। तो 0.5 तो आपको पता ही है 14 होगा, 12% बताओ कितना होगा। भाई 10% आपको पता है 280, 10% आपको पता है 280, 1% पता है आपको 28, तो 2% कितना होगा 56। तो आपके पास 12% कितना होगा 336, और 0.5% आपने पहले से ही नोट कर रखा 14, तो ये टोटल कितना होगा साउथ अफ्रीका का 350। इसके बाद है हमारे पास न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को कितना मिला है? इसको तो 12% मिला है, 12% तो आपने अभी अभी फाइंड आउट करा था, मतलब 336। इसके बाद है हमारे पास जिम्बाब्वे, ये अभी तक है, जिम्बाब्वे को कितना मिला है बताओ? 13.5%। अब आप सबसे पहले इसका 13% फाइंड आउट करो, 13% फाइंड आउट करो, उसके बाद उसमें 14 ऐड कर दो, आपके पास 13.5% की वैल्यू आ जाएगी 378। और उसके बाद हमारे पास है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को कितना मिला है 14%। तो 2800 का 14% कितना होगा बताओ? बच्चों अब भी कैलकुलेशन मत करना, बताओ कितना होगा 14%? 392। देखो ये तो हमारे पास जितनी भी कंट्रीज है सबके ओडीआई में स्कोर हो गए। अब सेम ऐसे ही हम टी20 में फाइंड आउट करेंगे, टी20 का टोटल स्कोर कितना है 2000। तो पाकिस्तान से स्टार्ट करो, बताओ पाकिस्तान 9.50%। तो सबसे पहले इसका भी तुम 0.5% फाइंड आउट कर लो, 0.5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0.5 की वैल्यू कितनी होगी इस डीआई में भाई? 1% की वैल्यू है 20, 0.5% की वैल्यू कितनी होगी 10। तो इसको तो अलग से फाइंड आउट करके रखो, उसके बाद 9% की वैल्यू बताओ कितना होगी 180, और 0.5% की आपके पास है 10। तो पाकिस्तान का स्कोर कितना हो गया 190। इसके बाद है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, 11% की वैल्यू कितनी होगी? 11% की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर उसमें 10 ऐड कर दो, 11.5% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये कितनी होगी 230। ये होगी हमारे पास 230। अब इसके बाद है इंग्लैंड, बताओ बच्चों इंग्लैंड का कितना होगा स्कोर? भाई आपको बस यही तो सॉल्व करना है, इसके बाद तो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। इंग्लैंड को मिला है 9%, तो इसका मतलब इंग्लैंड का कितना होगा 180। श्रीलंका का स्कोर कितना होगा?
12% फाइंड आउट करो 240 और 0.5 की वैल्यू है 10, तो हमारे पास कितना होगा 250। इसके बाद अब साउथ अफ्रीका का स्कोर बताओ कितना होगा। साउथ अफ्रीका को कितना मिला है 16.5%, तो 16% तो आपके पास होगा 320 और 0.5 है आपके पास 10, तो 16.5 कितना होगा 330। इसके बाद न्यूजीलैंड का बताओ बच्चों 10%, इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिम्बाब्वे का 13%, जिम्बाब्वे को कितना मिला होगा 260। और वेस्ट इंडीज का स्कोर कितना होगा, थ्री सिक्सटी। तो देखो इस पूरी डीआई में बस आपको यही कैलकुलेशन करनी थी, और ये कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे आंसर उतनी फास्ट आ जाएगा। अब ये तो थी एक आपके पास कैलकुलेशन, अब देखो क्वेश्चंस। करो रीड और बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखो हम ऑलवेज नोट आउट वाली इनिंग को हटा देते हैं, अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो जो स्कोर है और जो नोट आउट हटाने के बाद इनिंग है उससे डिवाइड करो, तब आपके पास एवरेज आएगा। बताओ बच्चों कितना होगा। ये जो नोट आउट वाली इनिंग है ना, सबसे पहले आप श्रीलंका का ओडीआई में स्कोर बताओ कितना होगा। श्रीलंका का ओडीआई में स्कोर कितना है 252। अब आपको एवरेज फाइंड आउट करना है स्कोर, तो जब भी आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो टोटल इनिंग में से नोट आउट वाली इनिंग्स को आप हटा दोगे, तो अब आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास कितना होगा एवरेज 28। और ये तो जब आपने अगर टेबल्स याद करे होंगे तो ये तो आपके पास जरूर आया होगा कहीं ना कहीं। बताओ बच्चों कहां आया था ये। याद मत करना टेबल, ठीक है। बताओ स्कोर कितना होगा। न्यूजीलैंड का T20 में स्कोर कितना है 200। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ये पाकिस्तान के ओडीआई स्कोर का कितना परसेंट है। पाकिस्तान से क्या ही चेक करना, फिर भी बता दो पाकिस्तान का स्कोर कितना है 294। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितने परसेंट होगा करो कैलकुलेशन। देखो ये होगा हमारे पास 68, बिल्कुल 68%।
बताओ भाई, ये तो बच्चों इसको तो सभी बता दो अब। सबसे कम डिफरेंस किस कंट्री के स्कोर में है ओडीआई और टी20 के? श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों, मैं ही देख लेता हूँ, रुको। तो लोवेस्ट ही तो फाइंड आउट करना है। अच्छा आप ये बोल रहे हो, सॉरी बच्चों, सेकंड लोवेस्ट किसका होगा? साउथ अफ्रीका का। बताओ अब आंसर, परसेंटेज बताओ। वेस्ट इंडीज का स्कोर कितना होगा टी20 में? और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कितना है ओडीआई में? तो ये इसका कितने परसेंट है ये फाइंड आउट करना है बस। बताओ कितना होगा आंसर? देखो इसमें बस तुम्हें डिवाइड, कैलकुलेशन, परसेंटेज बस यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर बैट्समैन का स्कोर है 280 तो टी20 मैच का कितने परसेंट है? तो बच्चों कितना होगा बताओ, कैसे करा इस क्वेश्चन को? टोटल इसका स्कोर है 280, टी20 का टोटल स्कोर है 2000 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना होगा 14%। तो बच्चों बस दो डीआई हो गई,